बाहर क्या है, ये सील लग रही है, जो दवा आई है लोगों को लगाई जा रही है, उस पर आपका विचार क्या है? दूसरी चीज, मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को आप क्या सलाह देंगे इससे बचाव के लिए? ऐसा है कि ये जो महामारी आई है, इससे बचने के लिए प्रकल्प तो तैयार किए जा रहे हैं, टीका आदि का आविष्कार भी हुआ है, लेकिन ये महामारी आई क्यों और भविष्य में इस प्रकार की महामारी के चपेट में विश्व न आवे, इस पर बिल्कुल विचार नहीं हो रहा है। ध्यान गया आपका? अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, सावधान हो के सुन रहे हैं ना। मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव की सामग्री तैयार की गई। मच्छरों की प्रजाति इतनी बलवती हो गई कि उन छिड़काव की सामग्री का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार कोरोना को दूर करने के लिए टीका आदि की प्रक्रिया चल रही है, इसके प्रभाव से आगे जो संभावित महामारी है उस पर ये दवा नहीं काम करेगी। उदाहरण मैंने दे दिया, मच्छरों को मारने के लिए जो टीका, मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव की जो सामग्री तैयार की गई, उससे नई नई प्रजातियां मच्छरों की इतनी हो गई, उनमें सहिष्णुता आ गई। इसलिए ये जो पृथ्वी जल तेज वायु ऊर्जा के स्रोत हैं, ये क्षुब्ध ना हो, कुपित ना हो, घातक सिद्ध ना हो, इस पर बल देने की आवश्यकता है। गांव शुद्ध रीति से बसाए जाएं, वन का उच्छेद ना हो, वनवासी वन से पलायन करने का अभियान न चलावें, गांव वाले गांव में रहें, गांव की महत्ता बढ़ाई जाए, और जो हमारा धार्मिक वातावरण था उस ढंग से भारत में जहाँ जहाँ जितने अंशों में हम पांव फैला सकते हैं उतनी संरचना करें। तो अभी भारत एक आदर्श, उत्तराखंड इत्यादि में सब नियम लागू हो सकता है, जो हमारा गांव का जीवन था। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ, महानगर स्मार्ट सिटी आप कहिए, वहाँ शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या, शुद्ध पानी सुलभ है क्या, शुद्ध प्रकाश, सूर्य की रश्मि भी वहाँ विश्व के आती या नहीं? अच्छा, शुद्ध वायु सुलभ है क्या, प्रचुर आकाश सुलभ है क्या, शुद्ध मनोभाव सुलभ है क्या, शुद्ध मुस्कान सुलभ है क्या, संयुक्त परिवार सुलभ है क्या? और संयुक्त परिवार अगर सुलभ नहीं है तो कुल वधु, कुल पत्नी, कुल वधु, कुल देवता, कुल गुरु, कुल कुलाचार, कुलोचित विचार सुलभ नहीं है। मनुष्य भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बन जाए, इसका मतलब ये जो विकास को परिभाषित किया गया है भौतिक विधा से, इसके दोष पर विचार करके जितने अंशों में हम संभल सकते हैं, भारत अभी संभलने की स्थिति में है, नेपाल संभलने की स्थिति में है, हम उस ढंग से भारत की संरचना प्रारंभ करें तो काम बन सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से भी शोधन हो सकता है।